ये बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से सामने आ रही है, जहां गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार वहां बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और गर्जना के साथ वहां झमाझम बारिश होती हुई भी नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि 40 डिग्री के पार वहां का पारा पहुंच गया था और अब पारा भी नीचे गिर रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बारिश से अब लोगों ने राहत की सांस भी ली है। लगातार उत्तराखंड की अगर बात करें तो लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था और हीट वेव की चेतावनी भी लगातार जारी की जा रही थी। वहीं इस बीच ये राहत भरी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और अब लोगों को राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का मौसम को लेकर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में आज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बता दें कि बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और बारिश होने की वजह से अब लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लगातार उत्तराखंड में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी। बता दें कि हीट वेव के चलते लोग काफी परेशान थे, जिसके बाद अब आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि देहरादून से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और अब लोगों ने भी राहत की सांस ली है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार आज सुबह से ही बारिश का दौर और तेज हवाएं भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद से देहरादून का जो मौसम था वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे थे, उसके बाद अब गर्जना के साथ ये झमाझम बारिश हो रही है। 40 डिग्री के पार ये पारा पहुंच चुका था, जो भी अब नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से वहां बारिश हो रही है और अब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। देहरादून से ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, जहां मौसम के मिजाज में ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। साथ ही बता दें कि कल तक लोग वहां गर्मी के प्रकोप से परेशान थे, हीट वेव की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से लगातार जारी की जाई थी, लेकिन अब यहां पर माना जा रहा है कि मानसून की दस्तक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोग भी अब राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं।